डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एल्जेब्रा के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि काफी डिफिकल्ट कंसीडर किए जाते हैं, जो कि पहले भी एसएससी एग्जाम्स के अंदर आए हैं, जैसे एसएससी 2017 के मेंस के अंदर आए हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू पुटिंग को एक और ऊपर वाले लेवल पर लेके जाएं, तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को आप बिना किसी तकलीफ के कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, उसको मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि x is equal to एक बड़ी सी एक्सप्रेशन दी है, और जब भी ऐसी एक्सप्रेशन दी जाती है a plus b over a minus b, हम इसके अंदर डेफिनेटली कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा के इसको इतना लेंदी करने की बजाय अब मैं आपको बताऊंगा कि यार जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या है। m एक चीज है और 3n एक चीज है, मतलब एक हिसाब से हमारे सामने दो चीजें हैं। तो थोड़ा सा हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। और मैं आपको वैल्यू पुट करने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बार बार नई वैल्यूज नहीं रख के देखना पड़ेगा, एक बार दिमाग लगा के वैल्यू सोचना है, मजा आ जाएगा। फिर देखो पहली बार में कैसे ट्राई करते हैं कि दो चीजों का सम जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर निकले, ताकि हम अंडर रूट को सोल्व करें तो अच्छे से सोल्व हो जाए। तो भाई दो चीजों का सम भी परफेक्ट स्क्वायर निकले और दो चीजों का डिफरेंस भी परफेक्ट स्क्वायर निकले, दो चीजों का डिफरेंस भी परफेक्ट स्क्वायर निकले। तो भाई हमारी मर्जी है, दो चीजों का सम हम कुछ भी मान सकते हैं। मैं तो सबसे छोटे वाले मानूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1, 4, 9, 16, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो मैं तो सबसे छोटे वाले मानूंगा, ठीक है? बाकी मान तो कुछ भी सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब मैं मानूंगा कि दो चीजों का सम तो 4 है और दो चीजों का डिफरेंस 1 है, ठीक है? एम को मैंने एक चीज मान लिया, 3n को मैंने अदर दूसरी चीज मान लिया। तो अब देखो ऐसी दो चीजें, तो इन दोनों में से एक तो हो जाएगी जी 2.5 और एक हो जाएगी 1.5, ठीक है? जब 4 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ोगे जिनका फर्क, जिनका डिफरेंस 1 है, तो 2.5 और 1.5 हो जाएंगे। तो यहां पर अब मेरे सामने सीधी सीधी वैल्यूज आ गई कि भाई एम की वैल्यू है 2.5 और 3n की वैल्यू है, 3n की वैल्यू है 1.5, 1.5। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो हमने यहां पर दिमाग लगा के वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है? तो अब मेरे को सीधा सीधा पता है, मैंने खुद ही ऐसी चीजें ली हैं जिनका सम 4 हो और डिफरेंस 1 हो, मैंने खुद जानबूझ के लिए ना, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब देख लीजिएगा, अंडर रूट 4 2 2 और अंडर रूट 1 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा जी 3/1, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि दो चीजों का सम भी परफेक्ट स्क्वायर हो, दो चीजों का डिफरेंस भी परफेक्ट स्क्वायर हो, हम इन तीनों वैल्यूज के ऊपर पहुंच जाएंगे, इन तीनों वैल्यूज के ऊपर विद इन नो टाइम, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस है और एग्जामिनर ने पूछी है इसकी वैल्यू, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के अंदर से 3n को कॉमन निकाल रहा हूं और आगे बचेगा जी x2+1, और अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है 0.5, तो 3 × 1/2 × x2+1, तो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है 9, 9 × 1 = 10, तो ये हो गया भाई 30/2, बोले तो 15, और जो भी ऑप्शन हमें 15 देगा उसको हम टिक कर देंगे। तो देखो यहां पर 2mx के अंदर पुट करते हैं भाई, 2 × 2.5 = 5, 5 × 3 = 15, तो इसने 15 दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंसर है, हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी 15 दे दे, लेकिन एसएससी के अंदर ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है? जब आप परफेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, मिलेगा नहीं। आगे देखिएगा m into n, तो 2.5 into 0.5 1.25 नहीं, then 2m, अब 2mx आंसर दे रहा, तो 2m कैसे दे सकता है, x की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, b2x भी नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या है 2mx, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो देखो भाई, जैसे कि वो क्वेश्चन है, ऐसे कोई तुक्का नहीं है कि हमने कोई भी वैल्यूज का सेट उठा के मैंने देखा कि भी ऐसे ऐसे इसके अंदर सेट हो जाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर वैसी कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो, ये बिल्कुल ओपन है, अगर आपके पास वो वैल्यूज पुट करने का एप्टीट्यूड है तो।
तो यहां पर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंड यहां पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अब यहां पर देखिएगा कि एक नंबर में अगर हम एक जोड़ दें तो भी परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, और एक नंबर में से अगर एक घटा दें तो भी परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। मतलब यहां पर m है, इसमें एक जोड़ दूं तो भी परफेक्ट क्यूब आए, और इसमें से एक घटा दूं तो भी परफेक्ट क्यूब आए। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे तो कोई भी क्यूब नहीं है जिन दोनों के बीच में दो का फर्क हो, लेकिन ऐसे क्यूब हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, जैसे कि 1 और -1 दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं क्यूब और स्क्वायर के अंदर कि -1 वाले माइनस वाले क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 0, 0 से एक बड़ा भी परफेक्ट क्यूब है, 0 से एक छोटा भी परफेक्ट क्यूब है। अगर आपको ये छोटी-छोटी बातें पता है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग को इतना पता होता है, ये अगर आपके एक्टिवली दिमाग में है तो ऐसे-ऐसे इक्वेशंस आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं बनेंगे। देखिए अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, m की वैल्यू मेरे सामने 0 आ चुकी है। अब कुछ सेकंड लगेंगे जब मैंने ये सोचा ना उसके बाद, देखो तो भाई 0 + 1 1 प्लस 0 - 1 - 1 और -1 का क्यूब रूट -1, ओके। तो ऊपर 0 आ गया, लेकिन इससे डरना नहीं है, जब नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए अब नीचे क्या है, अभी ऊपर क्या था 1 और आगे था -1, यहां पर -1 मतलब कि -1 प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया जी 0/2 दैट इज 0। तो नीचे 2 है मतलब कि नॉट डिफाइंड नहीं है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इक्वल टू 0। तो भाई m की वैल्यू भी 0 आ गई, x की वैल्यू भी 0 आ गई एक फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स के लिए। तो यहां पर ये नहीं बोल सकते कि भाई इक्वेशन गलत होगा, जो हमने तरीका किया वो गलत होगा, जब तक कि एग्जामिनर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो भाई m भी 0 है, x भी 0 है, और इसके अंदर m और x ही है, तो वैल्यू क्यों पुट करें, सारा ही 0 बन जाएगा हमें पता है, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अभी आगे, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो भाई ये है आपके सामने SSC CGL 2017 के मेंस का क्वेश्चन। तो दिखने में बिल्कुल भयानक लगेगा कि अगर आपको ये सारी चीजें दी हैं तो आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर आपको एलजेब्रा के अंदर वैल्यू पुट करना अच्छी तरह से आ जाए, ये भी सीखना पड़ता है, नंबर्स स्ट्राइक करते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसको वैल्यू जल्दी दिख जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको यहां पर स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो स्क्वायर करने के लिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको मिटा देते हैं हम। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई 3, और नीचे क्या हो जाएगा 3/4। तो यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 3/4 है, हां जी बिल्कुल, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो 3/4 को मैंने ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि भाई एक में से हम कुछ चीज घटा रहे हैं ना, एक में से कोई चीज घटा रहे हैं यहां पर भी। तो भाई अगर दोनों चीजें या तो एक से छोटी हों, एक से छोटी होंगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर एक बड़ी एक छोटी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3/4 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो, मतलब भाई एक को मैं कंपेयर कर दूंगा 1 से और एक को कंपेयर कर दूंगा 3/4 से। तो अब देखिए यहां पर p की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको इसके इक्वल रखोगे p की वैल्यू आ जाएगी 0, और एक में से क्या घटाऊं कि 3/4 आ जाए, मतलब कि 1/4 घटाऊं, तो भाई q की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है ना 1/4। तो भाई p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, और p और q के टर्म में इक्वेशन है, तो सीधे धड़ल्ले से पुट करते हैं, और जहां पर भी p है उसको एक बार खत्म कर देते हैं, ये जहां पर भी p है उस चीज को तो भूल ही जाओ। तो भाई ऊपर क्या बच गया, √2q2। तो भाई q की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 × 1/4 1/2, √1/2, और नीचे भी √1/2 आएगा, मैं पता है सेम चीज है। तो क्या हो गया, √1/2 प्लस √1/2 दैट इज 2/√2 दैट इज √2, एंड आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब वैल्यू पुट करने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है। तो यार ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कई जगह पर देखा होगा, और इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाकर काफी लंबे तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छे से वैल्यू पुट कर पाए
तो इसको विद इन सेकंड सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? लेकिन उसके लिए वैल्यू पुट करने की थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो, एक बार मैं पहले खुद गलती करके आपको बता देता हूं कि कहां कहां पर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं जी, a is equal to 1, b is equal to 1, मेरे को x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई 4 into 1 into 1, 4 by 1 plus 1, 2, तो भाई x की वैल्यू आ गई 2। तो ये जो चीजें हैं ना, 1 और 1 आप पुट कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर कर लिया करो कि 4 by 2, 2, और यहां पर फिर क्या होगा, x की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो 2 minus 2 0, not defined हो जाएगा। तो because denominator में 0 हो रहा है, not defined आएगा, तो ये वाली वैल्यूज आप वहां पर नहीं पुट कर सकते, आपको दूसरी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। अब आप जब दूसरी वैल्यू चूज करोगे तो भी आप गलती कर सकते हो कई बार। कैसे गलती कर सकते हो, वो गलती भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आप सीख पाओ। मान लो मैंने a को मान लिया जी 1 और b को मान लिया 2, तो यहां पर क्या होगा, 4 into 1 into 2 divided by 1 plus 2 जो कि है 3, तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8/3 जो कि एक इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आपको क्या बताऊंगा, यार आप बोल रहे हो कि नीचे कुछ ऐसा आए कि ऊपर से कट जाए, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो यार, नीचे अगर कुछ ऐसा चाहिए कि ऊपर से कट जाए, तो आपको तो पहले ही पता है ना ऊपर एक 4 है, ऊपर एक 4 है तो नीचे ऐसी वैल्यू क्यों नहीं लेते कि उसका सम 4 आ जाए। हां, अब दिमाग में आएगा कि 1 एंड 3 ले लूं, बात बन जाएगी। तो अब देखिएगा, 4 into 1 into 3 divided by 3 plus 1, 4 जो कि हमने जानबूझ कर लिया था, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी जी 3, और अब ये वाली वैल्यूज आप उसके अंदर पुट करने वाले हैं जो कि हम मेंटली कर सकते हैं। देखो भाई, a का डबल होता है 2, तो 3 plus 2 5 और 3 minus 2 1, सिंपल सी बात है। देन आगे बढ़ते हैं, अभी b का डबल होता है जी 6, तो 3 plus 6 9 और 3 minus 6 minus 3, तो यहां पर आ जाएगा जी -3, तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन 2, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रख सकते हो, इस क्वेश्चन के ऊपर या इसी पैटर्न के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर 2 होता है, लेकिन वो वाइज नहीं रहेगा अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है तो, ठीक है, फिर गलत तुक्का लगा सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखिए, ये है हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर ये भी 2017 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं, लेकिन वो वैल्यू पुट करने के लिए हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, नंबर हैंडलिंग की पावर थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज़ इसके अंदर कोई रीजन नहीं है, बस वैसे ही मैंने पुट करके देखा था कि भाई 4 की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, बिकॉज यहां पर अगर मैं x1 x2 x3 की वैल्यू 4 रखता हूं तो यहां पर 4 का क्यूब बन जाता है, ठीक है, और यहां पर 4 4 4 और एक 4 पहले ही है, अगर मैं इन सभी को x1 = x2 = x3 = 4 रखता हूं तो दैट इज, ये हिट एंड ट्रायल का केस है। अब आपको लगेगा कि आपने 4 क्यों रखा, तो जस्ट वैसे सेंस करना होता है भाई, हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल मींस जस्ट आप पुट करके देख रहे हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा करना पड़ता है। तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, 4 4 4 4 16, 16 4 जा 64, और यहां पर क्या है, 4 का क्यूब 64, मतलब इन सब को 4 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इन सब को 4 रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अब क्या होएगा, 1 plus 2 plus 4, तो 2 plus 4 is 6, तो 1/6, सिमिलरली दो जगह और होगा, मतलब कि 3 बार होगा, तो 3 into 1 बटे 6 बोले तो 1/2, और यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन बी। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। तो आगे से जब भी कोई बड़ा सा क्वेश्चन देखो तो एक बार काम होके शांति से देखिएगा, उसकी कंडीशंस को समझते हुए कि आप वैल्यू पुट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कंडीशंस को समझना जरूरी है। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो तो ध्यान से देखना जरूरी है, अगर छोटे-छोटे क्वेश्चन होते ना उनमें तो सीधे भी वैल्यू हम पुट कर देते। So that's it from my side. Bye bye.